राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर 125,000 राम रक्षा स्तोत्र का होगा पाठ। देश भर के 1100 वैदिक विद्वान लेंगे भाग। हाईटेक खोया पाया प्रणाली से हर तीर्थयात्री होगा महाकुंभ में सुरक्षित। सोशल मीडिया का भी किया जाएगा उपयोग। चेन्नई में विश्व का इकलौता श्री लक्ष्मी कुबेर मंदिर साल में केवल दीपोत्सव के दिन दर्शन के लिए खोला जाता है। महाकुंभ 2025 में झांसी की छात्राएं करेंगी बुंदेली नृत्य राई का मंचन। 14 अक्टूबर से कर रही है प्रैक्टिस। 22 जनवरी 2025 के दिन प्रभु श्री राम को अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए एक वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। इस शुभ अवसर पर श्री राम लला सेवा समिति द्वारा भव्य आयोजन की योजना बनाई गई है। समिति ने 125,000 राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कराने की घोषणा रखी है, जिसमें देश भर के 1100 वैदिक विद्वान भाग लेंगे। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म के अनुयायियों की सुरक्षा, मानसिक और शारीरिक उन्नति है। समिति के अनुसार राम रक्षा स्तोत्र का ये महापाठ देश भर के सनातनियों के कल्याण और उन्नति के लिए किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेले में भारी भीड़ के चलते लोगों के खो जाने की समस्या से पार पाने के लिए विशेष तैयारी की है। इसके लिए सरकार हाईटेक खोया पाया रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू करेगी। हाईटेक खोया पाया सिस्टम की मदद से मेले में लापता व्यक्तियों के लिए खोया पाया केंद्रों पर अनाउंसमेंट होगी। हर खोए हुए व्यक्ति का तुरंत रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ताकि किसी भी केंद्र पर पहुंचकर खोए हुए व्यक्ति की जानकारी हासिल की जा सके। इसके साथ ही खोए हुए व्यक्ति की जानकारी दूसरे केंद्रों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एक्स पर भी शेयर की जाएगी, जिससे खोया हुआ व्यक्ति जल्द से जल्द अपने परिजनों को मिल जाए। नया सिस्टम सुरक्षा, जिम्मेदारी और तकनीकी का अनूठा संगम होगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के वडलूर में स्थित श्री लक्ष्मी कुबेर मंदिर में दीपोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दुनिया भर में यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां माता लक्ष्मी के साथ धन के कोषाध्यक्ष कुबेर विराजमान हैं। खास बात यह है कि इस मंदिर में दर्शन केवल धनतेरस के दिन ही किए जाते हैं। मंदिर में श्री लक्ष्मी कुबेर का श्रृंगार नोटों से किया जाता है। हर वर्ष दुनिया भर से लाखों भक्त दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। इस साल मंदिर भक्तों के लिए 29 अक्टूबर को खोला जाएगा। प्रयागराज महाकुंभ 2025 मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। महाकुंभ के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की प्रैक्टिस भी शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में झांसी के आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्राएं बुंदेली नृत्य राई का अभ्यास कर रही हैं। यहां 14 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक राई लोक नृत्य की प्रस्तुति कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 60 से भी ज्यादा छात्राएं हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें राई नृत्य की बारीकियां सिखाई जा रही हैं। छात्राएं महाकुंभ 2025 में अपनी कला का मंचन करेंगी। देवभूमि उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने चारों धामों के कपाट बंद होने की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। इसके अलावा यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम के कपाट 3 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे, जबकि तुंगनाथ धाम के कपाट 4 नवंबर को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को बंद होंगे। चारधाम यात्रा हर साल अप्रैल मई से शुरू होकर अक्टूबर नवंबर तक चलती है। महाकुंभ की तैयारियों के मद्देनजर हनुमान मंदिर कॉरिडोर का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। सबसे पहले श्री बड़े हनुमान मंदिर के गर्भगृह को बड़ा किया जा रहा है। मंदिर के सौंदर्यीकरण के साथ ही परिक्रमा पथ, दुकानें, पार्किंग, प्रवेश द्वार और रैन बसेरा के साथ ही हवन कुंड आदि भी बनाए जा रहे हैं। हनुमान मंदिर कॉरिडोर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। महाकुंभ के दौरान बड़े हनुमान जी का ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था और आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र होगा।